क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? रास्ते से गाड़ी हटाओ। ए, गाड़ी को ठोक कर आया ना, पहले नुकसान भर। ये क्या बात हुई? एक तो ओवर स्पीड आकर गाड़ी को तुमने ठोका और ऊपर से हमसे पैसा मांग रहे हो। चलो अपनी बाइक हटाओ। ए, तुझे स्पीड पूछ के गाड़ी चलाएंगे? चुपचाप पैसा दे और निकल यहाँ से। अच्छा होगा कि सेटलमेंट कर लो, वरना बेकार में यहाँ लफड़ा हो जाएगा, फिर उससे क्या फायदा होगा? क्यों महाशय, आप भला इन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो? इसी को कहते हैं प्यारे युद्ध का पावर। हमसे जो भी टकराएगा कुछ नहीं होगा। किसान नहीं है तो अनाज नहीं मिलेगा, ड्राइवर ना हो तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं रहेगी। क्या बात कर रहे हो? ए, अपनी औकात में रह। तुम लोग ये गलत कर रहे हो, तुम लोगों की भी इज्जत है, उसे गवाओ मत। सॉरी फॉर इट। ए चल लाना। चल रहे। चलो चल रहे। आया सीख देने। ऐसे कई टपोरियों को हम देख चुके हैं, कोट पहन के अपने आप को हीरा समझ रहा है। गुरुबख्श जी सर, तुम जाकर वो फाइल सबमिट करो। ठीक है सर। जरा देख उस हीरो को, कोट गंदा ना हो जाए इसलिए गाड़ी में रख रहा है। खादी जनता के रक्षा के लिए, खाकी देश की रक्षा के लिए, चड्डी और बनियान इज्जत बचाने के लिए, और कोट इज्जतदार के लिए। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ काम से बाहर आया हूं। आई विल गेट बैक इन 10 मिनट्स। करेक्ट होना चाहिए, पीपीटी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार चेक कर लो। से रेस लगाएगा चाहे कोई भी हो, हम तुमसे सवा शेर हैं, यह दिखाना जरूरी है। नहीं भाई, नहीं, सॉरी भाई। चलो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर औरों को परेशान करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम जैसे जवान लोगों के करने के लिए और भी बहुत से काम है, समझ गया ना? हाँ भाई। इस वक्त क्यों डिस्टर्ब कर रही है? हेलो हेलो हेलो, क्या फिल्म देखने? अरे छोड़ यार, यहाँ लाइव शो चल रहा है। अगर एक्शन देखना है तो उस हीरो का नहीं, इस हीरो का देख। हेलो सर, सर 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 सर, चलो भाई। सर सर सर, प्लीज रुकिए सर।
मुझे लगता है मेरी लाइफ का हीरो यही है। तू लड़की है कि कयामत है? शादी करने वाले लड़के के सामने उधम मचाएगी तो क्या ये तुझसे शादी करेगा? शादी किसके साथ? और किसके साथ? हमारे पांडु शर्मा के साथ। मैं नहीं करने वाली। क्यों नहीं? शास्त्रों का इसे अच्छी तरह से ज्ञान है, सारे मंत्र भी फटाफट बोल देता है। इस भोंदू के साथ शादी करके मुझे अपनी लाइफ नहीं खराब करनी। क्या कहा? जो सुना वही कहा। लेकिन क्यों? ये मेरी जिंदगी है, जो भी लड़का मुझे पसंद आएगा उसी से शादी करूंगी। उसके लिए हम तैयार नहीं है। मैं और कानून तैयार है, वही काफी है। प्रीति चिल्लाइए मत, ये मेरा पर्सनल मामला है। अगर आप लोग प्रेशर डालेंगे तो क्यों, जान दे दोगी? जाति बदल दूंगी पर फैसला नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शराबी बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे में तुम दोनों पीकर मेरे घर आए हो, फिर भी तुम लोग ही बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे मदद चाहिए यार। बिजनेस में लॉस हुआ है, कर्जदार भी बहुत सता रहे हैं, इसलिए हम बहुत कुछ बेच चुके हैं। घर वालों ने भी हमें घर से निकाल दिया है यार। बचपन के दोस्त, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अगर कुछ पैसा दे देता तो हम कुछ धंधा शुरू कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग खुद खुशी करोगे, है ना? अच्छी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। जाओ जल्दी जाओ, लेट हो गया है, मुझे भी सोना है। ए, जिंदगी बॉक्सिंग रिंग की तरह होती है, तुम्हारे रिंग में उतरते ही जीत अनाउंस नहीं होती, खेलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है तब जीतते हैं, ऐसे ही जीत हासिल नहीं होती है। मम्मी ये दोनों मेरे दोस्त हैं। मम्मी माजी, नमस्ते। कोई नमस्ते, बात नहीं, बैठे रहो। बेटा तुम लोग करते क्या हो? उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। ठीक है, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं खाना लगवाती हूं। ठीक है मम्मी, तो बताओ तुम दोनों क्या करना चाहते हो? अगर तुम पैसा दो तो एक गैरेज है, उसे लेकर हम लोग चलाना चाहते हैं। पैसे देकर इन बच्चों को भिखारी बनाने से तो अच्छा है कि किताबें देकर इन बच्चों को स्वाभिमानी बनाया जाए, यही मेरी सोच है। पैसा तो दूंगा लेकिन उधार। क्या? मंथली इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ेगा। सोच लो दोनों, दुखड़ा सुनाने वाले बहुत हैं, जिसके अंदर इंसानियत है वही उसे सॉल्व करता है। चलो खाना खाते हैं। नहीं गुरु। क्यों, फोकट में मिलता तो जाकर बोतल खोलते ना। दोबारा किसी को टोपी पहनाने की कोशिश मत करना, चलो खाना खाते हैं। ये क्या बेटा, वो हेल्प मांगने आए थे ना, तुमने कहा उधार दूंगा, इंस्टॉलमेंट भी भरना पड़ेगा, ये सब क्या है बेटा? मैंने मदद करने से कहा इनकार किया माँ, मैं तो बस उधार दे रहा हूँ। पर क्यों बेटा? आसानी से पैसे देकर किसी को आवारा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो दोनों मेरे दोस्त हैं, वो अच्छे से रहें और जिम्मेदार इंसान बने, यही तो मैं चाहता हूँ। यूं ही पैसा दिया तो फालतू में उड़ा देंगे, अगर मैंने लोन कहकर दिया तो इस बात का डर भी रहेगा और जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। उसके बाद उन्हें ज्यादा पैसा देकर एक अच्छा बिजनेस खोल कर देना मेरी जिम्मेदारी है। उस वक्त जब मैंने तेरी बातें सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन हमारे पास इतनी दौलत होते हुए भी तूने उन लोगों को लोन देने की बात की, तुझे दोस्तों की कितनी चिंता है यही सोच रही थी। बट यू आर राइट बेटा। सॉरी मम्मी, बिना आपके परमिशन के मैंने उनको मदद का वादा कर दिया। विराट, किसी जरूरतमंद की हेल्प करना ऊपर वाले के बैंक में FD करने जैसा है, भले ही वो लोग पैसे ना लौटाए लेकिन ऊपर वाला तुम्हें सूद समेत उसे लौटाता है। किसी अच्छे काम के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मम। She got